हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और बहुत सारी शॉर्टकट की सिर्फ एक वीडियो में आप सीख पाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 ओपन कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहां पर हमारे पास तीन शीटें बाय डिफॉल्ट दिख रही हैं। अगर 2007 की बात करें तो यहां पर आपको तीन ही शीट बाय डिफॉल्ट दिखती है। तो अभी हम शीट नंबर वन पे हैं क्योंकि ये शीट नंबर वन हाईलाइट है, यहां पे देख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें नई शीट, देखिए कितनी शीट दिख रही है, तीन दिख रही है, ठीक है। अगर हमें कोई नई शीट को इंसर्ट कराना हो तो शॉर्टकट की क्या होती है, आपको प्रेस करना होता है शिफ्ट के साथ F11। जैसे ही शिफ्ट और F11 प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहां पर शीट नंबर फोर भी इंसर्ट हो गई है। पहले हम शीट नंबर वन पे थे और ये फोर वाला नया इंसर्ट हो गया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की। क्या इंसर्ट कराने की, नई शीट इंसर्ट करानी है तो आपको शॉर्टकट की क्या प्रेस करना है। नेक्स्ट की अगर हमें नए शीट पर जाना हो, जैसे मान लीजिए हम अभी हैं शीट नंबर वन पे, अगर टू पे जाना है तो क्या करेंगे, टू पे जाना है तो हम यहां प्रेस करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पेज डाउन। पेज डाउन का बटन आपको मिल जाता है, प्रेस किया मैंने तो पेज डाउन पे टू पे चला गया, फिर प्रेस किया थ्री पे चला गया। पेज अप करेंगे तो एक एक करके पीछे चलता जाएगा, यानी शीट नंबर वन पे जाना था तो हमने पेज डाउन किया तो टू पे चले गए, फिर थ्री पे चले गए, अगर अप करेंगे तो टू पे आ गए, फिर वन पे आ गए। इस तरीके से ये काम करेगा, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी सीट को रीनेम करना हो, रीनेम ध्यान दीजिएगा, रीनेम करना बता रहा हूं, किसी भी सीट को रीनेम कैसे किया जाए, तो आपको प्रेस करना है अल्ट, ठीक है, फिर प्रेस करना है एच, फिर प्रेस करना है ओ, फिर प्रेस करना है आर। तो आप किसी भी सीट को रीनेम कर सकते हैं, जैसे मैं इस पर अपना नाम लिख देता हूं सूरज, ठीक है। तो ये देखिए ये सीट रीनेम हो गई है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हमें किसी भी सीट को हाइड करना हो, सीट नहीं बल्कि कॉलम को हाइड करना है, तो ये सिलेक्शन में लीजिए और कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस कीजिए। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल और जीरो, अल्फा न्यूमेरिक की जीरो। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए ए वाला कॉलम हाइड हो गया, तो ये हो गया हाइड। इसी तरीके से इसको अनहाइड भी किया जा सकता है, क्लियर। तो अभी अनहाइड भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगर नया रो आपको इंसर्ट कराना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और क्या प्रेस करना है, अगर आपको नया रो इंसर्ट कराना है तो किसी एक रो को सेलेक्ट कीजिए और फिर आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन। जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक नई रो इंसर्ट हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए इस पर भी मैं रख के दिखा देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और क्या प्रेस करना है आपको, आपको प्रेस करना है प्लस बटन। तो जैसे ही प्लस करेंगे तो देखिए ऊपर ये नई रो इंसर्ट हो गई है, क्लियर, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अगर रो को हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ 9 प्रेस कीजिए, देखिए वो रो हाइड हो गई है। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं, ये अंडो हो गया, कंट्रोल 9 प्रेस करता हूं, देखिए रो हाइड हो गई। अब हाइड हो गई तो इसको अनहाइड कैसे किया जाए, अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस कीजिएगा तो ये वापस से अनहाइड हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और 9। देखिए कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, 9 प्रेस करना है अगर रो को हाइड करना है, और कंट्रोल शिफ्ट 9 करिएगा तो यही अनहाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये देखिए ये नेम है और ऑफ स्टूडेंट इसमें आ गया है, इन दोनों को मर्ज करना है तो यहां से जाकर के आप मर्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट की क्या हो सकती है इसकी, इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है उसका नाम है अल्ट। मेरे साथ बोलिए अल्ट, फिर बोलिए एच, फिर बोलिए एम और फिर बोलिए एम, यानी Alt H M M अगर प्रेस करते हैं और ओके कर देते हैं तो ये मर्ज हो जाता है। देखिए ये मर्ज हो गया और ऑफ स्टूडेंट जो लिखा था वो हट गया है। अब आगे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, देख सकते हैं। और इसको आप सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं और ये सेंटर में अलाइन हो जाता है, या यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं, क्लियर। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आई होगी। अब ये हमने मर्ज कर दिया, हम चाहते हैं इसको अनमर्ज करना, अनमर्ज कैसे करेंगे, तो मेरे साथ बोलिए Alt H M U। तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा, देखिए ये अनमर्ज हो गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये अनमर्ज हो गया, कुछ हिस्सा इसमें आ गया, कुछ हिस्सा इसमें आ गया। उम्मीद करता हूं ये पूरी बातें समझ में आई होंगी आपको, सारी शॉर्टकट की जरूर अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।